रिकॉर्डिंग रह गई है। सो व्हाट वी हैव डन इज कि वी हैव ट्राइड टू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, एक्चुअली हमने जो रेडियल नोड्स के नंबर्स निकाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन दीज ग्राफ्स व्हिच हैज बीन ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, मेथड ऑफ एक्सट्रापोलेशन बाय द कंप्यूटर्स, न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं उसके थ्रू हमने इनको ड्रॉ कर रखा है। इनके ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता चला कि क्योंकि फंक्शन इस तरह का होता है कि एक बार भी मीन लाइन को क्रॉस नहीं करता है, इसलिए 1s में एक भी रेडियल नोड्स नहीं होता है। 2s एक बार क्रॉस करता है एक रेडियल नोड्स, 3s दो बार क्रॉस करता है दो रेडियल नोड्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो हमेशा रेडियली जो है उसको डिक्रीज होना है। नाउ रेडियली डिक्रीज होने का मतलब हुआ कि एज द रेडियस शुड इंक्रीज इट शुड कंटिन्यूअसली डिक्रीज, और कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग फंक्शन जनरली हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं विद निगेटिव पावर्स आर जनरली द बेस्ट चॉइस। तो ये हमारा फंक्शन का फॉर्म एक हमने एक्स्ट्रापोलेट करके निकाला कि ये रहना चाहिए, वो सारे एस फंक्शंस में रहने चाहिए, सारे एस कर्व एस ऑर्बिटल के सारे इक्वेशन में रहना चाहिए। बाकी दूसरा कंपोनेंट जो होता है पॉलिनोमियल कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट एस ऑर्बिटल दैट इज लिंक्ड टू द आइडिया दैट हाउ मेनी नोड्स डज दैट दैट ऑर्बिटल हैज। फॉर एग्जाम्पल अगर 2s ऑर्बिटल के लिए आई हैव वन रेडियल नोड, इफ 2s ऑर्बिटल हैज वन रेडियल नोड देन द पॉलिनोमियल फंक्शन शुड बी इट शुड बी अ लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट वी हैव ओनली वन रियल आर विच हैज दिस थिंग विच हैज नॉन जीरो वैल्यू फॉर विच आर फंक्शन बिकम्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां पर आर इज इक्वल टू अगर 2a0 ले लेंगे देन दिस फंक्शन विल बिकम जीरो, क्योंकि ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। इज इट ओके? नेक्स्ट थिंग इज जैसे अब 3s की को देखते हैं तो 3s हैज टू रेडियल नोड्स, तो यहाँ पे दो रेडियल नोड्स का मतलब द साई फंक्शन इज क्रॉसिंग मीन लाइन और बिकमिंग जीरो ट्वाइस विथ इंक्रीजिंग आर। अब दैट सिंपली मीन्स द इक्वेशन द पॉलिनोमियल इक्वेशन हैव टू बी A quadratic equation with two real roots such that they correspond to the value of r at which the psi function will become zero and then subsequently the psi square function and then psi square 4 pi r square dr function also becomes equal to zero. ठीक है? Similarly, for 4s we have three radial nodes that signifies to us that the psi function must cross mean line three times and therefore we must have a polynomial equation of cubic form and that must have three non zeros real r three non zero and real r such that 4s can have so 4s का wave function जो होगा उसका radial part जो होगा is going to look like this, 5s का radial part is going to look like what it is going to look like k into 1 minus ar plus dr square plus dr cube plus dr cube dr4 such that
by Venon such that this expression should have four real roots and it can have four real distinct roots only if and only if we have this type of biquadratic equation in the wave function. Is it okay? अब इसके बेसिस पर 2s तो होता नहीं है, सॉरी 2s, 1s हो गया, 2s हो गया, सॉरी 2p, 2p का इक्वेशन हम कैसा एक्सपेक्ट करते हैं? तो 2p होता कैसा, कैसा रहेगा? 2p का वेव फंक्शन जो होता है वो इस तरह का रहता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, यहां पर नोड है इसका न्यूक्लियस पर, इट इंक्रीजेस एंड देन फॉल्स डाउन. ठीक है, साई स्क्वायर फंक्शन जो होता है इसका, साई स्क्वायर वर्सेस आर, दैट इज लाइक दिस, इट रीचेस अ टॉप एंड देन कम्स डाउन. साई स्क्वायर 4πr² dr जो है वो कुछ इस तरह का है, इट इज लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक साई स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें रेडियल नोड्स मेरे पास कितने हैं? जीरो हैं. अगर जीरो है तो इसका फंक्शन कैसा होगा? एंड रेडियल नोड जीरो है इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर अदर देन जीरो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर अदर देन जीरो, नाइदर साई फंक्शन नॉर साई स्क्वायर फंक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, neither psi function nor psi square function. So a for any real r which is not equal to zero, neither equal to infinity, ऐसे किसी real r के लिए कि किसी भी value के लिए ये function क्या होना चाहिए? Zero नहीं होना चाहिए, तभी तो zero radial node होगा ना. Is it okay? 3p में क्या होगा? अच्छा देखो, सो इसकी वजह से यहां पर पी फंक्शन ए के आर टर्म आया. ठीक है, टू पी में आर टर्म आया, ये आर टर्म लीनियर टर्म आया, लीनियर पॉलिनोमियल बना. बट क्या इसका कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा? नहीं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जीरो सॉल्यूशन होगा. इन सारे के लिए जीरो इज अ सॉल्यूशन, जीरो इज अ सॉल्यूशन, बट जीरो इज नॉट कंसिडर्ड एट नोड. न्यूक्लियस को हम नोड नहीं कंसिडर करते हैं फिजिकल. ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है बट उसको हम नोड नहीं कंसिडर करते हैं. उससे और इंफिनिटी के बीच में कोई और ऐसा पोजिशन आता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो, उसको हम लोग नोड कंसिडर करते हैं. दैट इज हाउ नोड हैज बीन डिफाइंड. Is it okay? Hello sir, sir मैं disconnect हो गया था. Sir वो बोलो. Sir 2P में. हाँ बोलो बोलो. हाँ sir 2P में total number of nodes 1 रहेगा ना? नहीं, 2P में total number of nodes 1 रहेगा. True, but that is angular node or nodal plane. ठीक है सर, फिर जो हम लोग, हाँ सर, फिर हम लोग जो पहले कर रहे थे वो रेडियल नोड पे थे क्या सारे? अभी हम लोग सिर्फ रेडियल, देखो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल फंक्शंस और उनके फॉर्मेट के ऊपर जो डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, दैट इज जस्ट टू लुक की रेडियल नोड्स के पर्सपेक्टिव से ही ढूंढने के लिए कर रहा हूँ. और फिर मैं टोटल नोड के पर्सपेक्टिव से भी कराऊंगा कि यहाँ पर जो आर फंक्शन होता है ना, उसका मैक्सिमम ऑर्डर जो होना चाहिए, मैक्सिमम ऑर्डर जो होगा उसमें प्लस वन करेंगे हम तो हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिलता है. ठीक है, जैसे ये क्या है, आर स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम पावर टू है, टू प्लस वन किया तो हमको क्या मिलेगा? 3s. सो ऐसा कोई फंक्शन दिया रहेगा हमारे पास, तो वो किस ऑर्बिटल को करस्पॉन्ड करता है ये हम कैसे निकालेंगे? लुकिंग एट द मैक्सिमम पावर.
इधर जो भी टर्म होगा उसको इस वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई करके और फाइनली मैक्सिमम पावर हम देखेंगे कि क्या है. इज इट ओके? यस सर. मैक्सिमम पावर अगर 5 आ रहा है तो हमारा वो किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को करस्पॉन्ड करेगा? 6 को. ठीक है. उसके बाद दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि कितने नॉन जीरो वैल्यूज के लिए, कितने नॉन जीरो वैल्यूज के लिए वो रेडियल फंक्शन जो है वो जीरो हो जा रहा है. ठीक है. वो कैसे पता चलेगा? तो पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन से. कैसा पॉलिनोमियल यूज किया गया है? ये वाला जो टर्म है इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है. ये तो मतलब एनीथिंग, जैसे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू है या एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, तो एक सॉल्यूशन तो इसका एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया और दूसरा सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो रहेगा. जैसे एक्स प्लस टू एंड माइनस टू आएगा. ठीक है. ये भी एक सॉल्यूशन है बट इट इज नॉट, दिस इज नॉट व्हाट वी कॉलिंग नोड. तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं. इज इट ओके? हेलो. हाँ बोलो सर. 2P में 1 आर क्यों आ रहा है? एक आर क्यों आ रहा है? 2P में 1 आर इसलिए आ रहा है, सिंगल आर, क्योंकि आर का मैक्सिमम पावर जो होता है ना, मैक्सिमम ऑर्डर, वो हमको टोटल नोड्स को इंडिकेट करता है. एक्चुअली एन माइनस वन वैल्यू को इंडिकेट करता है. बात समझ में आ रही है? पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी हो उसका मैक्सिमम पावर जो होगा ना, दैट इज गोइंग टू इंडिकेट एन माइनस वन. ठीक है. हाँ सर. सर फिर वो 1P होता तो फिर वो R नहीं होता ना? फिर R का टर्म नहीं होता, बट 1P होता ही नहीं है. हाँ सर. ठीक है. 5P के लिए इक्वेशन कैसा दिखेगा? सर इट विल बी R इनटू वो जो अंदर का ब्रैकेट रहेगा उधर R क्यूब रहेगा, अंदर केस में R बाय A नॉट, फिर अंदर के ब्रैकेट में R क्यूब रहेगा. हाँ ठीक है, परफेक्ट. अब एक काम करते हैं, आज के लिए ना हम लोग 2P पर ही रुकते हैं क्योंकि बाकी दो लोग हैं नहीं. They are victim of this problem. और थोड़ा सा पार्ट रहने देते हैं, ये अपलोड कर देंगे, वो लोग थोड़ा देख लेंगे और नेक्स्ट डे बाकी का जो है वो डिस्कस कर लूंगा. ठीक है. और ये डिस्कशन के बाद में वंस यू हैव फ्लुएंसी ओवर इट, देन कम्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड उसके रूल्स जो होते हैं वो हमको पढ़ने होते हैं. सर 5P वाला सर मतलब R इसको 4 आ रहा है. हाँ R इसको 4 रहेगा. ठीक है. और देखो यहाँ पर किया हुआ मैक्सिमम पावर R इसको 4 रहेगा, एक रूट 0 को करस्पॉन्ड करेगा और 3 यूनिक रूट्स रहेंगे. ठीक है. 3D के लिए 2 R जीरोज रहेंगे, टोटल पावर जो रहेगा मैक्सिमम ऑर्डर जो रहेगा वो 4 का हमेशा. 3D है तो 3 है तो 2 रहेगा, 4 है तो 3 रहेगा, 5 है तो 4 रहेगा. ठीक है. E है इसका मतलब क्या हो गया? दो रेडियल नोड्स होने चाहिए, दो एंगुलर नोड्स होने चाहिए और जिसकी वजह से नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कम हो जाएंगे. नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कम हो जाएंगे तो 3D में हमारे पास एक भी रेडियल नोड नहीं है. नो नॉन जीरो रियल आर फॉर विच दिस फंक्शन विल बिकम जीरो. 4D के लिए 1 रियल आर फॉर विच दिस फंक्शन विल बिकम जीरो. 5D के लिए देर आर 2 रियल आर्स फॉर विच दिस फंक्शन विल बिकम जीरो एंड सो ऑन सो फोर्थ. फिर इनके नेचर को थोड़ा सा, पैटर्न्स को एक बार देखने की कोशिश करना है, मैप करना है 1, 2, 3 ऐसे करके. जैसे Do you find that 3D का साइज स्क्वायर इज लुकिंग सेम एज 1S का साइज स्क्वायर?
नहीं, बट 2s के साई स्क्वायर के साथ मैच कर रहा है क्या? सॉरी 2p के, यस इट डज, यानी 2p एंड 3d दे आर लाइक ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर लुकिंग थिंग्स, whether it be psi function, whether it be psi square function or psi square 4r square function, distinguish कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। On scale अगर draw नहीं किया होगा graph तो हम नहीं ये discriminate कर सकते हैं। On scale अगर किया रहेगा ना तो हम distinguish कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर on scale करने का मतलब ये maxima वगैरह mark किया हुआ है ना, तब हम distinguish कर सकते हैं। But उसके बगैर no chance। बात समझ में आ रही है सर? मतलब वो उसका पैटर्न सेम है, लाइक उसका पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है, राइट? स्ट्रोक सेम है या पैटर्न सेम है, ठीक है? सो वी विल डू दिस कल के लेक्चर में। फिर सर मैं दो क्वेश्चन, वो डाउट, हाँ वो तुम्हारे दो क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, बिल्कुल।